हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस स्कर्ट का जो फ्रंट पार्ट है इसको कैसे जोड़ते हैं वो देखेंगे। तो मेरे पास दोनों भी पार्ट्स है, फ्रंट पार्ट में जो भी यूजेस होते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये जो है ये कटोरी वाला पार्ट है। तो मैंने इसका मेन फैब्रिक भी लिया हुआ है और अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और फ्रंट पार्ट का भी मैंने मेन फैब्रिक भी लिया है और अस्तर वाला फैब्रिक जो है ये भी लिया है। इसके दो पार्ट है और मेन फैब्रिक के जो है वो भी दो पार्ट है। तो इस तरह से ये फोर पार्ट है, ये फोर पार्ट है। अब हम इसको जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कटोरी वाला जो पार्ट है इसको पहले जोड़ेंगे। तो कटोरी वाला पार्ट को इस तरह से रखकर, हम सीधी साइड में रहता है तो इसमें हम इस तरह से इस फैब्रिक को रख के एक फैब्रिक एक मेन फैब्रिक के साथ उठा लेंगे और दूसरा जो है वो एक मेन फैब्रिक के साथ नीचे रह जाएगा। तो अब इसको ज्वाइन करना है, बहुत सिंपल। तो हमें क्वार्टर इंच मार्जिन रख के सबसे पहले इसको अस्तर के साथ जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर इंच मार्जिन रखना है और इसको जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वार्टर इंच मार्जिन मैंने बिल्कुल सभी तरफ से रख लिया है और अब इसे जोड़ लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हमें कट कर लेना है। तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में बच रहा है उसको आप कट कर लीजिए इस तरह से, और इसको बिल्कुल एक जैसा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, साइड का फैब्रिक कट कर लिया है मैंने और इसे बिल्कुल एक जैसा मैंने बना लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली कटोरी पर भी क्वार्टर इंच को मार्जिन रखेंगे और इसे पूरी तरह से साइड से जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों भी कटोरी के पार्ट हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब सेम इसी तरह से हमको फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही बनाना है। तो फ्रंट पार्ट का साइड हम ले लेंगे, इसमें भी हमको अस्तर फैब्रिक को इस तरह से बीच में रखना है और एक फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ उठाना है, एक फैब्रिक नीचे ही रखना है। इस तरह से ये दोनों को अलग अलग करके हमें फिर से एक बार इसे भी क्वार्टर इंच मार्जिन देके जोड़ना है सब तरफ से। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कपड़े में रखा है, तो अगर कपड़ा थोड़ा सा हिल भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिगिनर से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पिनअप कर लेना है सब तरफ से कपड़े को, और उसके बाद आपको स्टिच करना है। अब इसको क्वार्टर इंच का मार्जिन देके सिलाई कर लेंगे। जहां पर भी राउंड कट आ रहा है वहां पर आपको घुमा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस तरह से हमने इसे बना लिया है। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बना लेंगे, क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ के सब तरफ से सिलाई कर लेंगे पहले, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे हम। फैब्रिक को इस तरह से बीच में रखना है, फैब्रिक हमने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है तो बीच में रखिए कपड़े को। तो फ्रेंड्स, दोनों भी पार्ट यहाँ पर हमने तैयार कर लिए है। अब इस पार्ट को हम कटोरी वाला पार्ट जोड़ेंगे। अब इसे जोड़ने के लिए हमें इस तरह से सीधा पार्ट पर सीधा पार्ट ही रखना है अच्छे से। ये देखिए, ये कटोरी की साइड है और ये जो है ये टक्स वाली साइड है। तो इस तरह से पहले रख लेना है, इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से इसको पलट देना है। अब इसे जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले टक्स जो है वो हटा लिया था पहले ही कट करके एक इंच का, तो यहाँ पर हमें कोई भी टक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन देना है इसको, और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा जोड़ना है। इसके बाद इसको इस तरह से राउंड में जोड़ते जाना है। तो यहाँ से जोड़ने के लिए हमको हाफ इंच का मार्जिन देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जोड़ते वक्त डबल सिलाई कर देंगे, हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लेनी है। इसके बाद यहाँ से हमें तिरछी सिलाई लेनी है गोलाई में बिल्कुल। जैसे भी गोलाई में कटिंग करी है ऐसे ही हमको इसको सिलाई देनी है। कपड़े को बिल्कुल एक के ऊपर एक रखना है, खींच के पकड़ना नहीं है कपड़ा,
नीला ही रखना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जोड़ा जाता है। इसको राउंड में जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राउंड में अगर नहीं जोड़ेंगे तो फिर उसका वो जो हमारे चेस्ट साइज का जो भी पार्ट है वो दब जाता है, तो राउंड में जोड़ना ज़रूरी है। हाफ इंच का मार्जिन रख लीजिए इस तरह से और राउंड में जोड़ना ज़रूरी है। बाद में आप इसको इंटरलॉक कर सकते हैं, अगर इंटरलॉक की मशीन है आपके पास तो इंटरलॉक इसको आप बाद में कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं डबल सिलाई दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड में जोड़ा है तो ये कुछ इस तरह से अब लग रहा है। ये देखिए, ये जो हमारी कटोरी का पार्ट है ये भी अच्छे से फूल गया है, जैसे कि हमारी कटोरी बिल्कुल दबेगी नहीं नीचे। और अब दूसरी साइड में इस तरह से ही करना है। इसके पार्ट को ले लेंगे अब दूसरे साइड में। इसको भी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उल्टी साइड में रखना है, और जहाँ तक हमने इसको सीधी सिलाई लगाई है यहाँ तक सीधा आएगा, और इसके बाद इसे राउंड हम घुमा लेंगे। तो हाफ इंच का यहाँ पर भी मार्जिन देंगे। कपड़े को खींचना नहीं है, कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखते चलना है। ढीले हाथ से कपड़ा पकड़ना है ऊपर वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में सिलाई आ गई, तो ये पार्ट भी इस तरह से लग रहा है। ये देखिए, तो ये दोनों भी पार्ट हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। इसको भी डबल सिलाई में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट पार्ट के दोनों भी हमारे कटोरी के पार्ट जॉइंट हो गए हैं। ये देखिए, ये एक यहाँ से हो गया है और ये एक यहाँ से हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट साइड का गला है और ये हमारा जो है ये आर्म होल है। अब नीचे की साइड में हमें पट्टी जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम पट्टी जोड़ लेंगे दोनों भी साइड्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अस्तर फैब्रिक वाली पट्टी ली है एक इंच की। एक इंच का मार्जिन दिया है ब्रॉडनेस में, और इस तरह से अब हम जोड़ेंगे। एक साइड में हमें जोड़नी है, जोड़ने के लिए अब हमें इसको बाहर से लगाना है और अंदर से फोल्ड करना है। तो इस तरह से पट्टी को रख लेंगे और यहाँ पर देंगे हाफ इंच का मार्जिन, और ऊपर से जोड़ना है सबसे पहले और अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमको जोड़ना है इस पट्टी को और अंदर की ओर फोल्ड करना है। अब एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये वाली जो सिलाई है इसको ढक देंगे इस तरह से, और एक बार हम कर लेंगे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड। ये देखिए, तो दोनों तरफ से ये फोल्ड हो गई है। सबसे पहले इसको ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, पास वाली सिलाई लगानी है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो आप पहले एक सिलाई लगा लीजिए, इसके बाद आप दूसरी लगा सकते हैं। अब दूसरी वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये अंदर की ओर फोल्ड हो गई है पट्टी। ये पूरी पट्टी अंदर की ओर फोल्ड हो चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड में भी पट्टी जोड़ लेंगे। तो इसको भी मैंने एक इंच का रखा है, ऊपर से ही जोड़ना है सेम तरीके से, और अंदर की ओर इसे फोल्ड कर देना है। तो ऊपर से हमने जोड़ा है, फिर से इस तरह से थोड़ा सा दबाकर अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। इस सिलाई को इस तरह से ढक देना है। अगर आप चाहें तो आप पहले इस सिलाई को लगा लीजिए, अगर आप नहीं कर पाए तो, और उसके बाद आप दूसरी सिलाई लगा सकते हैं। और इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है। सबसे पहले ऊपर की ओर से सिलाई देनी है। ऊपर हमें ये अंदर का बिल्कुल भी फैब्रिक ऊपर नहीं दिखना चाहिए अस्तर वाला। इसको अंदर की ओर दबा कर लेना है, पास
पास वाली सिलाई लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन लेना है, हाफ इंच पर एक और सिलाई लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों भी साइड्स हमने इस तरह से जोड़ ली है। ये देखिए, ये अब फ्रंट पार्ट का हिस्सा जो है ये हमारा तैयार हो गया है। इसमें हम हुक पट्टी, हुक लुक पट्टी कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी हुक लुक पट्टी और इसका फ्रंट साइड का जो इसकी पाइपिंग है वो लगाना आपको बता दूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियोस मेरी ज़रूर देखना जो मैं अभी इसके बाद डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।